राजस्थान के रामगढ़ अलवर में सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर रामगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन व पूर्व विधायक जुबैर खान ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष में चेयरमैन जुबैर खान ने राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। इस मौके पर उनके साथ रामगढ़ पंचायत समिति के प्रधान नसरू खान सहित अनेक कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अमित राठौर ने चेयरमैन जुबैर खान व प्रधान नसरू खान का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर चिकित्सालय में आयोजित उपखंड स्तरीय रैली और प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय जुबैर खान, मेवात विकास बोर्ड राजस्थान जयपुर के कर कमलों द्वारा कार्यक्रम किया गया। गतिविधियों के प्रचार वाहन को भी जुबैर खान द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा रैली में ब्लॉक के सभी ANM और आशा सहयोगिनियां उपस्थित रहीं। आज 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस होता है, तो राज्य सरकार और मेडिकल हेल्थ विभाग द्वारा कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए उसके लिए जागरूकता, जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं इस मेडिकल हेल्थ से, नर्सेज हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, ये सबका जागरूकता रैली का आज शुभारंभ हुआ है। पूरे कस्बे में चक्कर लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि जिस तरह से जनसंख्या को अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो जो विस्फोटक स्थिति होगी उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसी संबंध में ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर ये आयोजन है रैली का, इसका आज शुभारंभ हुआ है। और सभी लोगों से अपील करते हैं कि लोग तरह तरह के जो मेडिकल और हेल्थ विभाग ने जो उपाय बताए हैं उनको फॉलो करके कोशिश करें कि देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।